हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते सर, हेमलता भोई बात कर रही हूँ मैं सर। रिस्पेक्टेड हेमलता जी नमस्ते। आदरणीय सर प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम हेमलता भोई है और मैं महिषासर जिले लुणावाड़ा से बोल रही हूँ। हेमलता जी आप करती क्या है? सर मैं समाज सेवा कर रही हूँ और प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हूँ। अच्छा आप टीचर हैं। हाँ टीचर हूँ सर। अच्छा, अमलता जी आप टीचर हैं, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, आपने वैक्सीन लगवा दिया क्या? आपके परिवार के सब लोगों ने वैक्सीन लगवा दिया क्या? हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे और पूरे परिवार को दोनों डोज लग चुकी है। साथ ही मेरे परिवार में जो बच्चे 15 साल से ऊपर हैं उन्हें भी पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री जी, पर आपसे बात बोलना चाहती हूँ। हाँ आप बताइए गुजरात बताइए। में थे सर, आप गुजरात में थे तब भी और अब भी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आप कार्यकर्ताओं का इतना ध्यान रखते हैं। जैसे परिवार का मुखिया हम सबका ख्याल रखता है, वैसे ही आप हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसा नेता हमें मिला। हेमलता जी, हमारा तो संगठन ही एक परिवार है, और इसलिए जी सर, परिवार के व्यक्ति के नाते हर किसी के सुख दुख की चिंता करना हम सबका दायित्व है। अब तो मैं ज्यादा कर भी नहीं पाता हूं, लेकिन जब भी पता चलता है तो मैं जरूर बात कर लेता हूं। और आपने कहा कि मैं नेता जी, नहीं आपने सही नहीं कहा, मेरे जैसा नेता नहीं मिला है। मैं तो एक साथी हूं, मैं एक सेवक हूं, और हम सब साथी कार्यकर्ता है, हम सब नेता हैं और सब कार्यकर्ता भी है। हेमलता बहन, ये आप सबका स्नेह और मेरी सबसे पहली पहचान कार्यकर्ता की ही है। देश की जनता और आप लोगों ने जो दायित्व तो दिया है, वो मैं, मेरी जिम्मेवारी है, उसको मैं निभा रहा हूं। और आप जानती हैं, हमारी सरकारों की सोच है कि देश भर के लोगों का जीवन आसान बने। गुजरात सरकार ने पर्यटन विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। ये आपके महिसागर जिले में इसका कोई लाभ हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, गुजरात सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं। पूरे गुजरात की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सरदार साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगवाई। इसके अलावा कच्छ में जो विकास के काम हुए हैं, गुजरात में जो नए रोपवे शुरू हुए हैं उसका बहुत प्रभाव हुआ है। और सोमनाथ और अंबा जी के दर्शन के लिए भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। अभी जब कोरोना कम हो गया था तो बहुत सारे पर्यटक आए थे सर। अब एक बार फिर उम्मीद है कि तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हेमलता जी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात की, सरदार साहब की प्रतिमा पूरे देश के लोगों के समर्पण और जनता जनार्दन के सहयोग का ही परिणाम है। जी और सर, इसके लिए आपको तो याद होगा, देश भर के हर गांव से किसानों ने खेत में जिस औजार का उपयोग किया, उस लोहा को हमने एकत्र किया था, यानी देश की एकता का एक अभियान था वो। और सरदार साहब की प्रेरणा से जो किया जाए वो कम है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है। जी सर, इसलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि टूरिज्म से रोजगार भी बहुत मिलते हैं और जी, गरीब से गरीब भी रोजी रोटी कमा सकता है। हेमलता जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद जी।